सिंगरौली में टीएचडीसी कोल ब्लॉक क्षेत्र में विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर सांसद रीति पाठक ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विस्थापितों को पहले बसने के लिए जगह की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य होने चाहिए। सांसद रीति पाठक ने कहा कि जो भी नई औद्योगिक इकाइयां डेवलप हो रही हैं वो प्रशासन और शासन के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। औद्योगिक निर्माण से पहले विस्थापितों को उनके बसने के लिए जगह देना जरूरी है। रीति ने कहा जो प्रोजेक्ट विस्थापितों को दिखाए गए हैं उनके ही अनुसार प्रोजेक्ट होना जरूरी है। प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नियमों को देखते हुए ही औद्योगिक इकाइयां संचालित की जाएंगी। इस दौरान विधायक सुभाष वर्मा सहित प्रशासन के कई लोग मौजूद रहे। हमारी जो भी औद्योगिक इकाइयां अभी स्थापित होने जा रही हैं एपीएमडीसी और एनएचडीसी, इसके तहत जो भी नियम और प्रावधान हमारे गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनके तहत हम उनको उस गाइडलाइन के हिसाब से सुविधाएं हम आम जनों को दे सके, जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ के भू अधिग्रहित लोग हैं उनको दे सके, इसकी व्यवस्था हो जाए। कुछ नया भी रहा इसमें? नया नहीं, जो प्लान थे उसको अप्रूव किया गया, बाकी आगे के बिंदुओं पर निश्चित रूप से कार्यवाही हो सुनिश्चित करके। देखिए नियमों को पालन करके ही किसी भी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा सकता है और आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये भारत सरकार की गाइडलाइन पर ये पूर्ण रूप निर्देशित भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक अब जितना अभी जो विषय आया है इसमें 2022 तक हम ट्रैक रूट हम इसको यूज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी सरकार हर स्थिति में चिंतित है कि किस तरह से हम प्रदूषण को रोक सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।